हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। समय हो चुका है रात के 8 बजे, और डेली 8 बजे अपनी कंप्लीट मैथ स्पेशल की क्लास रहती, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा है पाइप एंड सिस्टम। आज ये पाइप एंड सिस्टम की थर्ड क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने, जिसमें कह दिया है थ्री पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। ठीक है, थ्री पाइप्स हैं ए प्लस बी प्लस सी, वो एक साथ भर सकते हैं किसी पाइप को 6 घंटे में। ठीक है, मैंने टोटल कैपेसिटी मान ली 6 यूनिट है, यहाँ से इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, तो देखिए इनकी एफिशिएंसी है 1। इन तीनों ने साथ में काम किया, 2 घंटे में कितना काम कर लिया हो, 2 × 1। ठीक है, मतलब 2 यूनिट काम हो चुका होगा, टोटल काम है कितना है 6 यूनिट, तो 4 यूनिट काम बचा है। अभी 4 यूनिट काम किसने किया है, सी को क्लोज कर दिए, सी को क्लोज कर दिया तो ए और बी दोनों ने किया होगा, ए और बी दोनों ने 8 घंटे में भर दिया, तो 4/8 आवर्स ये क्या आ गया अपने पास, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई मिला के। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1/2। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी अपन को मिला के 1/2 पता है, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी नहीं बता सकते क्या अपन, सी की एफिशिएंसी 1/2 हुई क्योंकि दोनों की मिला के एफिशिएंसी टोटल कितनी है 1। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है अपन से, अपन से पूछ रहा है द टाइम इन आवर्स इन विच टैंक फिल्ड बाय सी अलोन, सी अलोन कितनी देर में भर सकता है, तो अपन को पता है टोटल काम है 6 और सी की एफिशिएंसी है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 6 × 2 जो कि होता है 12 आवर्स। ठीक है, तो सी 12 घंटे में भर देगा टंकी को। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है कि 52 अ पाइप कैन फिल सिस्टम इन 9 आवर्स। ए पाइप है जो कितनी देर में भर सकता है, 9 आवर्स में भर सकता है। ड्यू टू अ लीक इट्स इन बॉटम द सिस्टम फिल अप इन 10 आवर्स, और लीकेज की वजह से मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर कितनी देर में भर सकते हैं, 10 घंटे में भर सकते हैं। यहाँ से निकालते हैं अपन एलसीएम, 90 आ जाएगा, 9 × 10 = 90, 10 × 9 = 90। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इफ द सिस्टम इज फुल हाउ मच टाइम विल बी एम्प्टी बाय लीक। लीक मतलब बी, बी की अपन को एफिशिएंसी निकालनी है सबसे पहले, बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी अपन को पता चलेगा कितनी है, 9 है, और ए की पता अपन को 10 है, तो बी की नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 9 - 10 जो कि कितनी होगी, -1। ठीक है, अब बी की एफिशिएंसी अपन को पता चल गई 1 है, मतलब एक 1 की स्पीड से वो खाली कर सकती है। ठीक है, कितनी खाली करनी है टंकी, टंकी में 90 लीटर पानी, -1 से खाली करना है इसको, कितना टाइम लग जाएगा, 90 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, ये माइनस को इग्नोर कर देंगे अपन, क्योंकि माइनस सिर्फ ये डिनोट करने के लिए रहता है कि इसने खाली कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है, थ्री पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। ठीक है, तीन पाइप है ए प्लस बी प्लस सी, वो किसी टैंक को कितनी देर में भर सकते हैं, 6 घंटे में, आफ्टर टू वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स। देखिए तीनों 6 घंटे में भर सकते हैं, मैंने टोटल वर्क मान लिया 6 यूनिट, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि इन्होंने कितनी देर तक काम किया, साथ में 2 घंटे तक, तो 1 की एफिशिएंसी से इन्होंने 2 घंटे तक काम किया, कितना काम कर लिया हुआ, 2 यूनिट काम हो चुका है, टोटल काम है 6 यूनिट, जिसमें से 2 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना काम, 4 यूनिट, 4 यूनिट काम बचा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सी को क्लोज कर दिया, सी को क्लोज कर दिया तो ए और बी फिल रिमेनिंग पार्ट इन 6 7 आवर्स। ठीक है, तो 7 आवर्स में भरा, तो ये क्या आ गई अपने पास, ये आ गई ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब अपन से बोल रहा है द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय अलोन टू फिल सी, सी कितनी देर में भरेगा, तो ये एफिशिएंसी क्या की आ गई अपने पास, ए प्लस बी की, कितनी, 4/7। अब अपन को पता है ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी मिला के 1 है, और ए प्लस बी के अपन को पता चलेगा कितनी है, 4/7। ठीक है, तो इसकी नहीं निकाल सकते कि अपन सी की, सी की बिल्कुल निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, सी की आ जाएगी 3/7, ये 4/7 है, सी की आ जाएगी कितनी, 3/7। ठीक है, सी की एफिशिएंसी आ गई 3/7, टोटल वर्क कितना है, 6 यूनिट, 6 यूनिट 3/7 की एफिशिएंसी करना है, ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 3 से ये 6 कट जाएगा, कितने टाइम, 2 साइन, और यहाँ से आ जाएगा 7 × 2 जो कि कितना होता है, 14, तो उनको कितना टाइम लग जाएगा, 14 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है, आर टैंक हैज़ टू पाइप्स, द फर्स्ट पाइप कैन बी फिल्ड इन 4 आवर्स एंड द सेकेंड कैन एम्प्टी इट इन 16 आवर्स। देखिए फर्स्ट पाइप जो है वो कितनी देर में भर सकता है, 4 घंटे में, और सेकेंड पाइप है वो एम्प्टी कर रहा है, उसके लिए मैंने माइनस लगा दिया, कितना टाइम लगाता है, 16 आवर्स। ठीक है, यहाँ से अपन निकालते हैं एल सी एम आ जाएगा 60, 4 4 जै 16 होता है और 16 1 जै 16 होता है, यह आ गए दोनों की एफिशिएंसी। अब क्या बोल रहा है, इफ टू पाइप्स बी ओपन टुगेदर एट अ टाइम देन टैंक फिल्ड अप। देखिए दोनों पाइप ओपन किया गया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी मिला देंगे अपन, मतलब 4 - 1 जो कि कितनी आ जाएगी, 3 3 की एफिशिएंसी, इस काम कितना करना है, 16 यूनिट काम करना है 3 की एफिशिएंसी से, इसको काटते हैं ये कट जाएगा 16 3 5 जै 15 होता है, बचेगा 1/3 आर्स आ जाएंगे अपने पास, कौन से ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है आपके सामने, इसमें क्या दिया है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 6 आवर्स। देखिए ए पाइप है वो कितनी देर में भर सकता है, 4 घंटे में भर सकता है, बी पाइप है वो 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 जै 12 होते और 6 2 जै 12, ये आ गई दोनों की एफिशिएंसी। अब क्या बोल रहा है कि दे ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स इफ पाइप ए इज ओपन फर्स्ट। ठीक है, देखिए पहले पाइप ए को ओपन किया गया, उसके बाद क्या किया गया, बी को ओपन किया गया, तो पहले घंटे में पाइप ए ने काम किया, कितना यूनिट काम कर दिया, 2 3 यूनिट, उसके बाद बी ने काम किया, कितना काम कर दिया, 2 यूनिट, फिर ए ने आया अपना, ए ने 3 यूनिट काम कर दिया, फिर बी आया, बी ने 2 यूनिट काम कर लिया, ये होगा कितने, 4 घंटे, 4 आवर्स हो चुके हैं, जिसमें कितना काम हो चुका है, 10 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, अब आएगा भाई अपना कौन, ए, ये कितना काम कर देगा अगले घंटे में, 3 यूनिट, लेकिन बचा काम कितना है, बचा तो काम 2 यूनिट ही है, 2 यूनिट काम है, तो फिर इसको कैसे करेंगे, ये देखिए 2 यूनिट काम करेगा, एक कितनी की एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी, कितने टाइम में कर देगा, 2 2/3 आवर्स में। ठीक है, तो 4 आवर्स यहाँ पे काम किया और 2/3 आवर्स यहाँ पे काम किया, टोटल मिला कितना होगा, 4 + 2/3 आवर्स। ठीक है, और इसको अपन लिख सकते हैं 4:2 2/3 आवर्स। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने, इसमें क्या दिया है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट एंड 45 मिनट। ठीक है, ए पाइप भर सकता है किसी टंकी को कितनी देर में, 30 मिनट में, और बी पाइप भर सकता है 45 मिनट में। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द वाटर पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 36 मिनट, और तीसरा पाइप है सी जो इसको खाली कर सकता है कितनी देर में, 36 मिनट में। ठीक है, यहाँ से पहले निकालते हैं अपन तीनों की एफिशिएंसी, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालें, देखिए 15 2 जै 30 होता है, वो 15 3 जै होता है 45, ये आ गया 2 3 जै 6 और 3 जै 18 और 18 2 जै 36 होता है, ये आ गए तीनों की क्या, एलसीएम कितना आ गया, टोटल आ गया 180। यहाँ से निकालते हैं 15 2 जै 30 बचा 6, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, 15 3 जै 45 बटा 2 2 जै 4, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, और ये आ गया कितना, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, वो भी माइनस में। अब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ए बी आर ओपन, तो पहले ए बी ओपन किया गया कितनी देर तक, 12 मिनट तक, 12 मिनट तक ए और बी कितने की एफिशिएंसी काम करेंगे, 6 + 4 10 की एफिशिएंसी से 12 मिनट तक काम करेंगे, कितना काम कर देंगे, 120 यूनिट काम कर चुके होंगे। ठीक है, टोटल काम है अपने पास 180 यूनिट टोटल काम है, जिसमें से 120 यूनिट काम हो चुका है कितनी देर में, 12 मिनट में। अब बचा कितना काम, 60 काम, ये 60 काम कौन कर रहा है, 60 काम कर रहा है सी को और ओपन कर दिया, तो सी को और ओपन कर दिया तो तीनों मिलकर करेंगे तो कितनी की एफिशिएंसी करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ लेते हैं, तीनों की एफिशिएंसी अपन जोड़ते हैं, देखिए इसकी 6 + 4 10 और -5, 10 में से -5 करेंगे 5 बचेगी, 5 की एफिशिएंसी काम होगा कितना, 60 यूनिट, कितनी देर में हो जाएगा, 12 मिनट में ये काम हो जाएगा। ठीक है, 12 मिनट यहाँ पे काम होगा, टोटल काम कितना देर लगा, 24 मिनट तक काम चला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है आपके सामने, इसमें क्या दिया है कि ए लीक इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर्स। ठीक है, मतलब कोई लीक है, लीक को मान लिया मैंने ए, वो एम्प्टी कर सकता है टैंक को कितने देर में, 6 घंटे में। ठीक
ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि एन इनलेट पाइप फिल्स वाटर एट द रेट 4 लीटर पर मिनट। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। व्हेन द टैंक इज फुल द इनलेट इज ओपन ड्यू टू द लीक द टैंक इज एम्प्टी इन 8 आवर्स। ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलके खाली कर सकते हैं कितनी देर में, -8 आवर्स में। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इनलेट भी ओपन हैगा और लीक भी ओपन है, और इसकी वजह से टंकी खाली हो गई कितनी, -8 घंटे में। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं पहले अपन एलसीएम। एलसीएम कितना जाएगा, 24। एलसीएम 24 आ गया, यहाँ से निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, 6 4 जै 24 और 8 3 जै 24, तो इसकी आ गई -3, इसकी आ गई -4। अब अपन को पता है यहाँ से क्या पता है कि देखिए ए अकेला कितनी देर में कर सकता है, ए की एफिशिएंसी है -4 और बी की, ए प्लस बी दोनों की मिला के है एफिशिएंसी -3, मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी है मिला के -3, और ए की एफिशिएंसी अपन को पता है कितनी, -4 है। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते क्या अपन, बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान सी बात है। बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी, +1। ठीक है, +1 आ जाएगी। अब +1 की एफिशिएंसी से उसको कितना काम करना है, 24 लीटर पानी भरना है, तो कितनी देर में भर देगा, 24/1 कितनी देर लग जाएगी, 24 आवर्स लग जाएंगे इसको। ये बात सबको समझ में आई कि बी पानी भरने अगर स्टार्ट करेगा तो कितनी देर में भर देगा, 24 घंटे में भर देगा। अब क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा, क्वेश्चन में अपन से पूछा एक फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो अपन को टैंक की कैपेसिटी बताना। अच्छा, अपन को एक चीज़ पता है कि जो बी है वो 4 लीटर 1 मिनट में भरता है। ठीक है, तो 24 घंटे में कितना भर देगा वो कैलकुलेट करना है बस अपन को, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, क्या करता है वो कि 4 लीटर पानी कितनी देर में भरता है, 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना भर देगा, 60 × 4। ठीक है, और 60 मिनट बराबर कितना होता है 1 आवर, ये तो बस सबको पता है ना। और ये कितना हो जाएगा, 240 लीटर, 240 लीटर पानी वो भर देगा 1 घंटे में। ये सबको समझ में आए। अच्छा, अपन को चाहिए कितने, 24 घंटे में 24 का मल्टीप्लाई और कर दो, 24 घंटे में कितना भर देगा, 24 × 240 लीटर। ठीक है, और 24 × 24 सबको पता है 576 होता है, 576 होता है, एक जीरो के एक जीरो लगा दी, 576 लीटर पानी भर देगा वो 24 घंटे में, 24 घंटे में। तो यही तो कैपेसिटी होगी ना, क्योंकि 24 घंटे में टंकी फुल भर गई, वो फुल कितनी है, 576 लीटर। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा अपना, 560 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 58 है आपके सामने, इसमें क्या दिया है कि आप पाइप कैन फिल अ टैंक इन 24 आवर्स। तो पाइप ए मान लिया मैंने, कितनी देर में भर सकता है, 24 घंटे में भर सकता है। ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन 36 आवर। तो लीकेज को मान लिया मैंने बी, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर, मतलब लीकेज भी चालू है और वो भी चालू है, तो कितनी देर में भर सकते हैं, 36 घंटे में। यहाँ से निकालते हैं अपन एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 2 जै 24 होता है और 12 3 जै 36 होता है। ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा 72। ये 12 2 जै 24 कट गया बचा 3, और ये 12 3 जै 36 कट गया बचा कितना, 2। ये आ गई दोनों की एफिशिएंसी। अब अपन यहाँ से बी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और ए की एफिशिएंसी अपन को पता है 3, तो 3 + b = 2, और यहाँ से आ जाएगी बी की एफिशिएंसी 2 - 3 जो कितनी होगी, -1। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास -1। अपन से पूछा क्या, द टैंक इज हाफ फुल, टैंक आधा फुल भरा हुआ है, और कितने टाइम में द लीक एम्प्टी द टैंक। ठीक है, टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 72 लीटर। ठीक है, और आधा अगर भरा हुआ है तो इसकी कैपेसिटी भी आधी हो जाएगी, 1/2, जिसको खाली किसको करना है, बी को, बी तो अपना लीकेज है, तो कितनी की एफिशिएंसीज करेगा, 1 की एफिशिएंसीज, इसको काट देते हैं, ये कितना जाएगा, 36 आवर्स लग जाएंगे लीकेज को आधा टैंक खाली करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है आपके सामने, इसमें क्या दिया है कि अ वाटर टैप कैन फिल अ टब एंड पी आवर्स। ठीक है, तो मैंने मान लिया ए टैब है जो पी घंटे में भर सकता है, एंड अ सिंक एट अ बॉटम एम्प्टीज इट इन क्यू आवर्स, और अपने पास एक सिंक है जिसको मान लिया मैंने बी, वो क्यू आवर्स में खाली कर सकता है। ठीक है, यहाँ से लेंगे अपन एलसीएम। एलसीएम क्या जाएगा, पी इंटू क्यू, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी पी की, देखिए पी से पी कट जाएगा बचेगा क्यू, और इसकी आ जाएगी
क्यू से क्यू कट जाएगा, बचेगा माइनस पी, माइनस पी इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन आगे बात कर रहा है कि पी बड़ा है क्यू से, बोथ टैप्स आर सिंक ओपन देन द फील्ड इन आर आवर्स, यदि दोनों साथ में ओपन होते हैं तो आर आवर्स में भर जाते हैं। अच्छा अपन यहाँ से निकालें कि दोनों साथ में ओपन होंगे तो कितनी देर में भर जाएंगे, ठीक है ये क्वेश्चन में अपन को दिया है कि ए प्लस बी आर घंटे में भर सकते हैं। यहाँ से निकालें तो यहाँ से टोटल वर्क कितना है पी एन क्यू, पी क्यू टोटल वर्क हैगा, दोनों साथ में किस एफिशिएंसीज काम करेगी, क्यू माइनस पी की एफिशिएंसीज है, ठीक है ये दिया है अपन को क्वेश्चन में कि आर आवर्स में भर जाते हैं, ठीक है बस। अब इसको इस टाइप के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं अपन को जो क्वेश्चन में दिया है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस आर को ले आया मैं इस साइड, तो ये क्या हो गया वन बाय आर, ठीक है, और इन दोनों को ले गया मैं उस साइड, एक एक करके ये हो गया क्यू माइनस पी अपॉन पी क्यू, ठीक है ये बात सबको समझ में आई, कुछ नहीं किया मैंने डायरेक्टली इनको पलट के लिख लिया क्योंकि मुझे दिख रहा था इस टाइप के फॉर्म में अपन को आंसर चाहिए, पलट के लिख लिया। अब क्या करना है इसको अलग अलग कर लो, इसको अलग अलग कैसे करेंगे, देखिए ये क्यू अपॉन पी क्यू लिख लो माइनस पी अपॉन पी क्यू लिख लो, ठीक है, और ये क्यू से क्यू कट जाएगा बचेगा वन अपॉन पी, माइनस क्यू से या पी से पी कट जाएगा बचेगा वन अपॉन क्यू, और इधर वन अपॉन आर अपने पास इक्वल में ही, तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है वन अपॉन आर प्लस इक्व टू वन अपॉन पी माइनस वन अपॉन क्यू, सेकेंड ऑप्शन में यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके सामने, इसमें क्या दिया है, वन पाइप कैन फिल अ टैंक एंड थ्री टाइम्स एज फास्टर एज अनदर, देखिए पाइप के अपन के टाइम का रेशियो दिया है क्या, कि कोई पाइप है यदि वो एक घंटे में भरता है, यदि वो तीन घंटे में भरता है तो उससे तीन गुना तेज मतलब कि एक घंटे में ये भर देगा, ठीक है ये अपन को टाइम का रेशियो दिया है, या फिर एफिशिएंसी में बात करें कि थ्री टाइम्स फास्ट भरता है मतलब ये यदि एक घंटे में भरता है तो ये यदि ये एक की एफिशिएंसी काम करता है तो ये तीन की एफिशिएंसी काम करेगा, ये दो चीज अपन इस लाइन से समझ सकते हैं, ये क्या आएगा टाइम का रेशो आ गया और ये एफिशिएंसी का मान लो, ठीक है। अब क्या दिया अपन को आगे क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में दिया है कि इफ टुगेदर टू पाइप्स कैन फिल इट इन 36 आवर्स, तो टुगेदर के लिए अपन क्या चीज़ एफिशिएंसी यूज करते हैं, मतलब इसकी एफिशिएंसी 3 है इसकी एफिशिएंसी 1 है, दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, 4 की एफिशिएंसी से उनको टाइम लगता है 36 आवर, 36 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है द स्लोअर पाइप अलोन कैन बी एबल टू, तो स्लोअर पाइप की एफिशिएंसी कितनी है 1, 1 जिसकी एफिशिएंसी है वही तो स्लोअर होगा ना, तो 1 की एफिशिएंसी कितना टाइम लग जाएगा उसको, यही टाइम लग जाएगा 36 × 4, और 36 × 4 कितना होता है 144 मिनट, 36 × 4 होता है 144 मिनट, इनको 144 मिनट लग जाएंगे, ठीक है ये चीज़ आपको सबको समझ में आई, कोई दिक्कत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है आपके सामने, इसमें क्या दिया अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 मिनट, देखिए एक कोई पाइप है वो एक टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है, अ सेकेंड पाइप विद डायमीटर ट्वाइस एज मच है द फर्स्ट, तो देखिए जो सेकेंड पाइप है उसका क्या है डायमीटर डबल है, डायमीटर मतलब देखिए अगर मैं इसकी रेडियस को मान लूं एक्स, तो सेकंड वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 2x, तो इसका डायमीटर हो जाएगा 4x, है ना, तो इसकी रेडियस भी डबल हो जाएगी। अब एक बात ध्यान से देखना आप, ये पाइप है ठीक है, ये तो इसमें पानी आता है, पानी जो फ्लो हुआ वो कहाँ से हो रहा है इस एरिया में से, मतलब रेडियस में से, रेडियस जो रेडियस है जो एरिया है अपना पाइप का उसी से पानी फ्लो रहा है, तो यहाँ पे एरिया क्या है पाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया क्या है पाई 2x का होल स्क्वायर, ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 4πx², ठीक है ये पाई एक्स स्क्वायर था, मतलब ये इससे कितना टाइम ज़्यादा है एरिया 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसका जो टाइम लगेगा वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब 40:1/4 हो जाएगा, मतलब कि कितना टाइम लगेगा उसको, उसको लगेंगे 10 डेज, ठीक है ये क्या आ गया अपने पास टाइम का रेशो, ये चीज़ सबको समझ में आ गई, ठीक है ये अपने पास टाइम का रेशो आ गया। अब यहाँ से एफिशिएंसी का रेशो अपन इजीली निकाल सकते हैं,
एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल लो, एलसीएम आ जाएगा 40 4 1 जब 40 और 10 4 जब 40, या दोनों की एफिशिएंसी। अब उनसे क्या बोल रहा है, अब अपन से बोल रहा है कि द टू टुगेदर कैन एम्प्टी द टैंक, टुगेदर कितनी देर में कर सकते हैं। टोटल टैंक की कैपेसिटी है 40 और दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो जाएगी 5, कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट। आसान सी बात है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने, इसमें क्या दिया है, टू पाइप कैन फिल अ टैंक ऑफ वाटर इन 15 एंड 12 आवर्स। देखिए एक पाइप कर सकता है कितने, 15 घंटे में, दूसरा भर सकता है, मतलब दूसरे को मान लिया बी, ये भर सकता है 12 घंटे में, ठीक है। और थर्ड पाइप है वो खाली कर सकता है कितनी देर में, 4 घंटे में। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 3 5 15, ये आ गया इनका एलसीएम, ठीक है। अब 5 3 15 हो गया, बचा 4, 4 3 12 बचा 5 और 4 कट गया, 3 5 15, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई तीनों की। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनको खाली किया गया कैसे। देखिए इफ द पाइप्स ओपन, एक को 8 AM पे किया गया, एक को 9 AM पे और फिर एक को 11 AM पे किया गया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले किया गया 8 AM पे किसको, ए को, तो ए अकेला चलेगा कब तक, 8 से 9 तक, मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में ए कितना काम कर देगा, 4 into 1, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 9 AM पे बी को और चालू कर दिया, बी और ए अब दोनों काम करेंगे, दोनों मिला के कितने की एफिशिएंसी काम करेंगे, 9 की एफिशिएंसी से। वो कितने देर तक चलेंगे, 9 से 10 और 10 से 11, मतलब 2 घंटे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये काम टोटल कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 9 दुनिया 18 और 4 22, 22 यूनिट काम। उसके बाद 11 AM पे अपन ने सी को भी काम चालू कर दिया, तो सी कितने की एफिशिएंसीज करेगा, -15 की एफिशिएंसीज है, और इसके साथ ए और बी भी चालू थे तो +9 की एफिशिएंसीज है, मतलब कितनी की एफिशिएंसीज काम होगा, अब काम होगा -6 की एफिशिएंसीज, मतलब अब टंकी भरेगी नहीं, अब टंकी खाली होगी, -6 की एफिशिएंसी से जितनी भरी हुई थी वो खाली हो जाएगी। तो इसको देखते हैं कितना टाइम लगेगा, ये इतने आर लगेंगे, ठीक है। इसको काटते हैं अपन, 6 3 18 6 3 18, बचेगा कितना, 3 4 4 बचेगा, बाय 6 3 आवर्स लगेंगे और 4 बाय 6, इसको अपन मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको काटते हैं 60 से, ये हो जाएगा कितना, 6 1 जा 40 मिनट, मतलब 3 आवर्स और 40 मिनट लग जाएंगे टंकी खाली होने में, ठीक है। कितने, 3 आवर्स 40 मिनट, कितने बजे से, 11 बजे से, तो 11 बजे से अपन चालू किया था, 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 दूसरा घंटा, 12 से 1 और 1 से 2 तीसरा घंटा, और 40 मिनट और, तो 2:40 पे अपनी टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपके सामने, इसमें क्या दिया है, अ बॉय एंड अ गर्ल टुगेदर फिल अ सिस्टर्न विद वाटर, ठीक है। द बॉय पोर 4 लीटर वाटर एवरी 3 मिनट, ठीक है। बॉय की एफिशिएंसी यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 लीटर वाटर करता है वो एवरी 3 मिनट में, मतलब 4 by 3 per minute, ये उसकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। और गर्ल की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, गर्ल की एफिशिएंसी आ जाएगी द गर्ल पोर 3 लीटर वाटर एवरी 4 मिनट, 3 by 4, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब अपन से पूछा हाउ मच टाइम विल टेक टू पोर 100 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। टोटल 100 लीटर ऑफ वाटर करना है और मिलकर दोनों कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी जोड़ो पहले, तो 4 by 3 + 3 by 4 ये हो जाएगा 4 4 = 16 + 3 3 = 9 / 3 4 = 12, ये हो जाएगा 25 by 12, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। 25 × 12 कर दो, ये हो जाएगा 25 4 = 100 और 4 8 = 4 12 = 48, आंसर आ जाएगा अपना 48 मिनट लगेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 64 है आपके सामने, इसमें क्या दिया है, आ पाइप ऑफ डायमीटर डी कैन ड्रेन अ सर्टेन वाटर टैंक इन 40 मिनट, मतलब एक कोई पाइप है ए जिसका डायमीटर दे दिया है अपन को, और वो 40 मिनट में टंकी भर सकता है, ठीक है। अब अपन से क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन बाय पाइप ऑफ डायमीटर 2D, देखिए एक ध्यान से बात सुनिए आप,
कि ये मान लिया मैंने एक पाइप है जिसका डायमीटर डी है और एक इससे डबल डायमीटर का पाइप है, ठीक है। अब पानी तो इसी एरिया में से आ रहा है, देखिए अगर इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक डबल हो रहा है तो पानी डबल आएगा, और वैसे डायमीटर डबल हो रहा है, डायमीटर डबल हो रहा है मतलब इसका डायमीटर अगर मैं 2D मानूँ, डी दिया है अपन क्वेश्चन में, इसका डायमीटर मैंने डी मान लिया, ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी डी बाय टू, इसकी रेडियस हो जाएगी डी बाय टू, ठीक है, और इसका डायमीटर कितना है 2D, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी डी, इसकी रेडियस डी हो जाएगी, ठीक है। अब अपन सब एरिया की अगर बात करें, जैसे कि इस वाले के एरिया क्या होगा, पाई डी वाई टू का होल स्क्वायर, और इस वाले के एरिया की बात करें तो इसका स्क्वायर होगा पाई डी स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस डी है, इसकी डी वाई टू है, यहाँ से आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय फोर, और यहाँ से आ जाएगा पाई डी स्क्वायर, तो इसका इससे एरिया का रेशियो कितना आ रहा है, 1:4 आ रहा है, या फिर मैं ये बोलूँ कि ये छोटे वाले से बड़े वाले का एरिया 4 टाइम्स है, ठीक है, एरिया 4 टाइम्स है, तो पानी की कितना टाइम कम लगेगा, पानी गिरने में भी टाइम कम लग जाएगा, मतलब टाइम कितना हो जाएगा, 1/4 1/4 टाइम्स, है ना, ये बात तो सबको समझ में आ रही ना, इसका डायमीटर है 2D, तो ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा, तो कितने टाइम मिनट लगेंगे उसको, 10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है आपके सामने, इसमें क्या दिया है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ वाटर टैंक इन 20 मिनट्स एंड 24 मिनट। देखिए ए पाइप है वो 20 मिनट में भर सकता है, बी है वो 24 मिनट में भर सकता है, एंड थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द रेट दिया 3 गैलन पर मिनट। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी आर ओपन टुगेदर द पाइप फिल इन 15 मिनट। देखिए ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों एक साथ लगे रहते हैं तो 15 मिनट लग रहा है, ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं अपन एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, 5 3 या 15 होते हैं, ठीक है, 5 4 या 20 होते हैं, और 3 4 या 12 2 या 24 होते हैं, ठीक है, ये आ गया अपना एलसीएम। अब निकालते हैं एफिशिएंसी, तो ये 5 4 या 20 बचा 3 2 या 6, 3 4 या 12 2 या 24 बचा 5, और ये 5 3 या 15 बचा 8, ये आ गई तीनों की एफिशिएंसी। यहाँ से अपन सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, सी की एफिशिएंसी कैसे निकल आएगी, इसमें से ए प्लस बी को माइनस कर दो, मतलब 8 - 11 करना पड़ेगा अपन को, ए प्लस बी की 11 हो रही है ना, 6 + 5 11, तो अपने पास सी की कितनी आ गई, सी की आ गई -3, सी की आ गई -3, तो सी को कितना टाइम लगेगा टैंक को खाली करने में, क्योंकि अपन को निकालनी है कैपेसिटी, को कैपेसिटी के लिए अपन को चाहिए पड़ेगा सी 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, ठीक है, तो सी की अपन निकालते हैं टोटल पानी कितना भर रहा है, 5 4 3 2 ये डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, 3 से 3 कट गया, ये कितना आ गया, 5 4 या 22 या 40, 40 मिनट लगेंगे सी को पानी को खाली करने में, पूरा पानी अगर भरा हो तो। अच्छा सी 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, 3 गैलन, तो 40 मिनट में कर देगा कितना, 40 × 3 मतलब 120 गैलन, ठीक है, यही अपन से पूछा था पाइप की कैपेसिटी क्या है, टैंक की कैपेसिटी क्या है, अपन ने बता दी 120 गैलन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने, इसमें क्या दिया, अ स्विमिंग पूल हैज 3 ड्रेन्स, द फर्स्ट टू पाइप्स ए एंड बी ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली कैन एम्प्टी द पूल इन द हाफ ऑफ टाइम दैट सी, ठीक है, तो अपन को कह दिया है कि ए प्लस बी अगर काम कर रहा है तो वो, और सी काम कर रहा है तो इन दोनों को हाफ टाइम लगेगा, जैसे मान लिया मैंने सी को लग रहा है अगर 2 यूनिट टाइम, तो इसको लगेगा 1 यूनिट टाइम, ये आ गया टाइम का रेशो, ठीक है, एक केस तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि अलोन टेक्स टू एम्प्टी इट, है ना, सी को जितना अकेले में लग रहा है, उसके बाद क्या, पाइप ए वर्किंग अलोन टेक्स हाफ ऑफ द टाइम डेट पाइप बी। अब एक और केस ये है कि पाइप ए और बी का रेशो दिया अपन को, वो भी टाइम का ही, पाइप ए अकेले को जितना टाइम लगता है, पाइप को जैसे मान लो 1 यूनिट टाइम लग रहा है, तो इसका डबल बी लग रहा है, क्योंकि इसमें दिया अपन को टेक्स हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय बी,
को अगर 2 यूनिट टाइम लग रहा है तो ए को 1 यूनिट टाइम लग रहा है, ये आ गया अपने पास टाइम का रेशो। अब यहाँ से अपन निकाल सकते हैं क्या, एफिशिएंसी का रेशो। एफिशिएंसी का रेशो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो निकालो, ये क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अब अपन को दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो रही, 3, दोनों की एफिशिएंसी मिला के 3 हो रही है। तो यहाँ पे पहले अपन बना लेते हैं इसकी एफिशिएंसी को 3, इधर से एफिशिएंसी का रेशो क्या आ रहा है, इधर से इन दोनों की एफिशिएंसी का आ रहा है रेशो 2:1। ए प्लस बी की मिला के यहाँ से 3 आ रही है, यहाँ से ए प्लस बी की मिला के 2 आ रही है। तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपन सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, रेशो सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इधर से मैं कर देता हूँ इसको क्या, 3 2 6 कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 4, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब अपने पास क्या आ गया, दोनों की मिला के कितनी आ रहा है ए प्लस बी की, ए प्लस बी यहाँ से 4 6 आ रहा है, 4 और 2 6, और यहाँ पे भी ए प्लस बी की मिला के एफिशिएंसी 6 आ रही है, ठीक है। तो अपनी सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकल आई कितनी हुई, 3। अब अपने पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई कितनी, देखिए ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी, तीनों का रेशो आ चुका है अपने पास। ए की 4 है, बी की कितनी है, बी की 2 है, और सी की कितनी है, सी की 3 है। ये तीनों की एफिशिएंसी का रेशो आ चुका है। अब क्या करें, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया क्वेश्चन में अपने पास, टुगेदर दे टेक 6 आवर 40 मिनट्स। पहले 40 मिनट को कहता हूँ, 40 मिनट को 60 से डिवाइड कर दिया मैंने, आवर में बन गया। तो ये कितने आवर बन गए, 2/3 आवर्स बन गए, ठीक है। और 6 आवर ये थे, तो 6 + 2/3 आवर्स, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 6 3 18 + 2 20/3 आवर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दे टुगेदर अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो उनको इतना टाइम लगता है, तो तीनों साथ में कितने की एफिशिएंसीज काम करेंगे, 4 + 2 6 और 6 3 9, 9 की एफिशिएंसी से काम करते हैं तो उनको कितना टाइम लगता है, 20/3 आवर्स लग जाते हैं। मतलब ये क्या आ गया अपने पास, टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया। अपन से क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय पाइप ए टू एम्प्टी द पोल, ठीक है। ए की एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी है अपने पास 4, तो 4 से और डिवाइड कर दो, अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। ये हो गया 4 5 20, ये 3 3 9 और 5 3 क्या आ गया, 15, ठीक है। आंसर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, अपन को बस एफिशिएंसी निकालने पे कंसंट्रेट करना था, और एफिशिएंसी एक बार निकल गई तो अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है आपके सामने, इसमें क्या दिया है कि विच ऑफ दिस पाइप बिल द एम्प्टी ऑफ फुल फर्स्ट एड। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, इस टाइप के क्वेश्चन में अपन करते हैं एरिया पर कंसंट्रेट, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका पानी निकलने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। पहले अपन देखते हैं इसका एरिया, देखिए इसका डायमीटर है 60 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, पाई आर, आर क्या 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर 900, ठीक है, 900 पाई आ गया। दूसरे वाले में रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 15, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। तीसरे वाले की रेडियस है 10, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ पे ये दिया 3 पाइप, 3 पाइप है तो एरिया डबल हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाइप तो एरिया डबल हो जाएगा, ये है 1 पाइप, ठीक है। इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका फाइनल एरिया आएगा 900 पाई, इसका आएगा 5 पाई, तो ऐसे ही आएगा 5 2 10 0, ठीक है, 450, और इसका आएगा 300 पाई। तो एरिया सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, पहले वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन का एरिया सबसे ज़्यादा है, ये देखिए 900 पाई है, उससे कम इसका है और उससे कम इसका है, मतलब पहला ऑप्शन अपना सबसे जल्दी पानी को खाली कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया है, आ टैप ड्रिप्स एट द रेट ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकेंड, 600 ड्रॉप्स मेक्स 100 मीटर 100 ml, देन द नंबर ऑफ लीटर वेस्टेड इन 300 डेज। देखिए अपन को क्या दिया है क्वेश्चन में कि 1 सेकंड में 1 ड्रॉप वेस्ट करता है वो,
एक सेकंड में एक ड्रॉप वेस्ट करता, ठीक है, एक सेकंड में, तो अपन को एक मिनट में कितनी करेगा, एक मिनट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, 60 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया, एक मिनट में, ठीक है, एक मिनट में, ये एक सेकंड का था, ठीक है, एक मिनट का आ गया। अब अपन एक मिनट को घंटे में बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई, ये 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या आ गया, वन आवर, वन आवर का आ गया, ठीक है। अब वन आवर से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि अपन को तो 300 दिन का चाहिए, पहले इसको दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, से ये क्या आ गया, वन डे का, वन डे में इतनी ड्रॉप वाटर वेस्ट हो रही है, ठीक है। फिर इससे भी काम नहीं चलेगा, अपन को तो चाहिए 300 डे, तो इसको 300 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया, 300 डेज, 300 डेज का आ गया, ठीक है। ये अपना फाइनल अमाउंट आ गया, 300 डेज में इतनी ड्रॉप ऑफ वाटर वेस्ट कर देगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए उसमें 600 को तो मैं अलग लिख लेता हूँ पहले, क्योंकि मुझे 600 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके अलावा बाकी सबको लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 24 3 जा 72, और 72 6 जा 432, 432, देखिए 1 0 इसकी यहाँ पे चली गई, इसकी 2 0 बची, तो उनको एज इट इज लिख लिया, ठीक है। और इस 600 ड्रॉप से 100 ml पानी बनता है, तो मैंने क्या कर दिया, 600 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, ml में आ गया, ये 600 600 कट गया अपना, ये क्या आ गया, ml। अपन को चाहिए काय में, लीटर में, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड और करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये अपना फाइनल आंसर ये आ गया कितना, 4 3 2 00, कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके सामने, इसमें क्या दिया, हैविंग द सेम कैपेसिटी ऑफ 9 टैप्स, फिल अप अ वाटर टैंक इन 20 मिनट, ठीक है। हाउ मैनी टैप्स ऑफ द सेम कैपेसिटी आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द सेम वाटर टैंक इन 15 मिनट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया अपन को 9 टैप क्या कर सकते हैं, 20 मिनट में भर सकते हैं, तो एक टैप कितनी देर में भर सकता है, 20 × 9 मिनट में, ठीक है। तो नंबर ऑफ टैप चाहिए अपन को कितने, 15 मिनट में भरने के लिए, तो बस 15 से डिवाइड कर दो इसको, और कुछ नहीं करना, ये 15 से डिवाइड अपन ने कर दिया, क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, और 5 3 जा 15, ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, क्या आएगा, 4 × 3 12 टैप अपन को चाहिए, ठीक है। आंसर कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपके सामने, इसमें क्या दिया, अ टैप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 30 मिनट, देखिए टैप ए है जो कितने टाइम लगाता है, 30 मिनट, एंड अ सेकंड टैप, इसको मान लिया मैंने बी है, जो कितना टाइम लगाता है, 45 मिनट टू एम्प्टी इट, ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे अपन एलसीएम, एलसीएम क्या जाएगा, 15 2 जा 30 होता है, और 15 3 जा 15 45 होता है, ठीक है, 15 2 जा 30 बचा 3, 15 3 जा 45 बचा 2, ये आ गए दोनों की एफिशिएंसी। अब ये बोला कि बोथ टैप्स और ऑपरेट साइमल्टेनियसली, देन हाउ मच टाइम नीडेड टू एम्प्टी द टैंक, देखिए टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 5 × 2 × 3, और दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे कितनी की एफिशिएंसी करेंगे, 3 + 2 जो कि 5 होता है, 5 से इसको काट दो, 5 3 जा 15 ये हो गया, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो अपना क्या आ गया, 18 मिनट लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके सामने, इसमें क्या दिया, टू पाइप कैन इंडिपेंडेंटली फिल अ बकेट इन 20 मिनट्स एंड 25 मिनट, ठीक है। तो एक पाइप मान लिया ए जो 20 मिनट में भर सकता है, एक पाइप मान लिया बी जो भर सकता है 25 मिनट में, बोथ ऑन टुगेदर ओपन फॉर 5 मिनट्स एंड आफ्टर विच, अच्छा चलो यहाँ से निकाल लेते हैं पहले एलसीएम, 5 4 जा 20 होता है, 5 5 जा होता है 25, ठीक है, 5 4 जा 20 बचा 5, ये 5 है ना, और 5 5 जा 25 बचा 4, ये आ गए दोनों की एफिशिएंसी। अब क्या किया गया, बोथ आर ओपन टुगेदर फॉर 5 मिनट, तो दोनों को ओपन किया गया 5 मिनट के लिए, दोनों की एफिशिएंसी मिला कितनी हो जाएगी, 5 + 4 9, और 5 मिनट में ये कितना काम कर लेंगे, 9 5 जा 45 मिनट काम कर लेंगे, ये टोटल काम कितना आ रहा है, 5 5 जा 25 4 जा 100, ठीक है, ये आ रहा है 100 काम अपना, 100 काम जिसमें 45 हो चुका है, 45 हो चुका है, बचा कितना, 55 काम। अब इसको किसको करना, ये करेगा, व्हाट इज टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप अलोन, देखिए सेकंड पाइप को टर्न ऑफ कर दिया अपन ने, फर्स्ट पाइप अलोन कर रहा, कितना
कितने की एफिशिएंसी से? 5 की एफिशिएंसी से। कितना टाइम लग जाएगा उसको? 11 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने। इसमें क्या दिया है? पाइप वन एंड पाइप टू कैन फिल टैंक अलोन इन 6 आवर्स एंड 9 आवर्स। एक पाइप वन भर सकता है 6 घंटे में, और पाइप टू भर सकता है 9 घंटे में। ठीक है, एंड पाइप थ्री है जो कि एम्प्टी कर सकता है कितनी देर में? 18 घंटे में। ठीक है, यहाँ से अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। 6 3 जाए 18, 9 2 जाए 18 2। ठीक है, नाइन टू जाए 18 और 18 1 जाए 18। ये आ गई तीनों की एफिशिएंसी। अब क्या बोल रहा है? इफ द थ्री पाइप्स आर ओपन साइमेंटेनियसली हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। देखिए ये 18 वाला क्या कर रहा है? खाली, तो इधर माइनस का साइन आएगा। अब तीनों को साइमेंटेनियसली कर दिया, तीनों साइमेंटेनियसली कितनी की एफिशिएंसी काम करेंगे? 3 + 2 - 1, ये हो जाएगा कितना? 4 की एफिशिएंसी काम करेंगे। काम कितना करना है? 18 यूनिट। डिवाइड बाय 4 करते हैं, 4 4 जा 16, बचा 2। पॉइंट लगाया, 0 लगाए, 4 2 जा 4 5 जा 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4.5 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है आपके सामने। इसमें क्या दिया? पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड 15 आवर्स। पाइप ए भर सकता है 12 घंटे में, पाइप बी भर सकता है 15 घंटे में, एंड आउटलेट पाइप है वो सी जो खाली कर सकता है 6 घंटे में। तो यहाँ से पहले अपन निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60 और 6 10 जा 60। ये माइनस आएगा इसके साथ क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है। अब बात आती है क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि इनिशियली पाइप ए एंड बी ओपन टुगेदर एंड आफ्टर 5 आवर्स। मतलब कि पहले इनिशियली 5 घंटे के लिए ए और बी को ओपन किया गया, तो दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी आ रही? 9। 9 की एफिशिएंसी से 5 घंटे तक खोला गया, तो कितना काम कर लेंगे? 45 यूनिट काम कर लेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि सी को ऑल्सो ओपन कर दिया। अब सी को और ओपन कर दिया गया, तो अब इनकी एफिशिएंसी मिला कितनी हो जाएगी? देखिए इनकी दोनों की मिला के हो रही +9 और इसकी है -10। काम कितने की एफिशिएंसी होगा? -1 की एफिशिएंसी। मतलब अब टंकी भराएगी नहीं, अब टंकी होगी खाली, होना शुरू, खाली होना शुरू होगी कितने की एफिशिएंसी से? 1 की एफिशिएंसी से। तो कितना टाइम लग जाएगा उसको खाली होने में? 45 आवर्स लग जाएंगे। यही क्वेश्चन में अपन से पूछा था कि एम्प्टी द टैंक। ठीक है, आंसर आ जाएगा अपना 45 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 74 है आपके सामने। इसमें क्या दिया है कि थ्री पाइप्स P1 मान लेता हूँ, P2 एंड P3, तीन पाइप्स हैं, ये टुगेदर भर सकते हैं किसी टैंक को 24 घंटे में। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि थ्री पाइप्स आर ओपन। अच्छा, तो मैंने मान लिया कि टोटल कैपेसिटी है 24 लीटर और इनकी एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 1 यूनिट। ठीक है, अब ये तीनों पाइप 6 घंटे तक खुलेगा, तो मतलब कितनी की एफिशिएंसी से काम करेंगे? 1 की एफिशिएंसी से। 1 की एफिशिएंसी 6 घंटे में उनने 6 यूनिट काम कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि P3 इज क्लोज, P3 को बंद कर दिया, P1 एंड P2 टेक अनदर 30 आवर। मतलब P1 और P2 को 30 घंटे और लग गए, 30 घंटे और लग गए, तो टोटल काम हो गया अपना कितना? 24 यूनिट काम इनने कर दिया। ठीक है, अब अपन को ये बताना है हाउ मच टाइम P3 अलोन फेल। तो पहले अपन P3 की एफिशिएंसी निकालेंगे। वो कैसे निकालें? देखिए वो यहाँ से निकले, ये आ गया अपने पास 6, 24 में से 6 गए, 24 - 6 करेंगे बचेगा कितना? 18। ठीक है, P1 + P2 की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी, इस 13 को यहाँ डिवाइड कर देंगे, 30 को यहाँ से डिवाइड कर दिए, कट गया 6 3 जा 18, 3 कट जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काट देंगे तो बचेगा क्या? 6 3 जा 18 और 10 3 जा 30। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 6/10 आ गई अपने पास P1 और P2 की एफिशिएंसी। अब अपन को पता है P1, P2 और P3 तीनों की एफिशिएंसी मिला के 1 है। ठीक है, तो P1 + P2 + P3 तीनों की एफिशिएंसी मिला के 1 है, और P1 और P2 की एफिशिएंसी है 6/10 प्लस P3 करेंगे इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से P3 की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 1 - 6/10 जो कि कितना होता है? 10 - 6 4/10। ठीक है, P3 की एफिशिएंसी आ गई अपने पास 4/10। अब अपन को यही निकालना कि P3 कितनी देर में काम कंप्लीट कर देगा। टोटल काम कितना है? 24 यूनिट। करना क्या इसको? P3 को 4/10 की एफिशिएंसी, 10 ऊपर आ जाएगा, ये कट जाएगा, 4 6 जा 24, 10 × 10 करेंगे 60 आवर्स लग जाएंगे। आसान सी बात आ गई अब तो। ठीक है, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 75 है आपके सामने। इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें ध्यान से पढ़ते हैं अपन। दिया है टू पाइप्स एक्स एंड वाई, दो पाइप है, एक एक्स है एक वाई। एक्स 24 मिनट में भर सकता है और वाई भर सकता है 30 मिनट में। यहाँ से निकालते हैं अपन एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा कितना, देखिए 6 4 जा 24 होता है और 6 5 जा 30 होता है। कि 6 4 जा 24, यहाँ पे बाय बचा 6 5 जा 30, यहाँ पे बचा 4, ये टोटल कितना आ गया 6 4 6 5 जा 30 4 जा 12 120, ठीक है 120 आ गया। अब अपन से क्या बोल रहा है कि बोथ पाइप्स आर ओपन फॉर 6 मिनट, तो बोथ दोनों पाइप 6 मिनट के लिए ओपन कर गए। दोनों की एफिशिएंसी मिला कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 4 9, 9 की एफिशिएंसी 6 मिनट तक काम किया, कितना काम कर लिया हमने 54 यूनिट, 54 यूनिट इनने काम कर लिया, 54 यूनिट इनने काम कर लिया। तो अब बचा कितना काम, देखिए टोटल काम तो अपना वही है 120 यूनिट, तो 120 में 54 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा 66, ठीक है 66 यूनिट काम बचा। अब ये कौन करेगा, एक्स को टर्न ऑफ कर दिया, एक्स को टर्न ऑफ कर दिया तो बाय करेगा, बाय कितने की एफिशिएंसी करेगा, 4 की एफिशिएंसी से, तो इसको काटते हैं 4 1 जा 4 बचा, यहाँ पर 2 4 6 जा 24 बचा 2 पॉइंट लगाया, 0 लगाई, 4 6 जा 4 5 जा 20, ठीक है तो क्या आ गया 16.5 मिनट लग जाएंगे एक्स को काम करने में, बचे हुए पूरा करने में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।